गुड मॉर्निंग एवरी वन कैसे हैं आप सब लोग मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करेंट अफेयर और साथ में रीजनिंग का प्रैक्टिस है राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है तो उससे आप जुड़ जाइएगा फॉर पी डी एफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन और प्लीज़ क्लास को ना थोड़ा शेयर कीजिएगा आपके सपोर्ट की ना बहुत ज़्यादा जरूरत है इस क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास निकलती है ना उसे अल्प प्राण कहते हैं और अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं किसी भी वर्ग का पहला तीसरा पाँचवा एग्जाम्पल दे बता देता हूँ जैसे क ख ग घ ठीक है तो पहला तीसरा पांचवा ये हो गए अल्पप्राण बाकी ये दो जो बच गए ना ये महाप्राण हो गए ऐसे ही आपसे अघोष और सघोष और पूछे जाते हैं उन्हें भी याद रख लेना अघोष होते हैं किसी भी वर्ग का पहला दूसरा और सघोष होते हैं तीसरा चौथा पांचवा सघोष क्या होते हैं तीसरा चौथा पांचवा याद रख लेना बार बार पूछे जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है अरबी शब्द बताना है तो देखो अरबी शब्द है अजीब अखबार क्या है फारसी आलपिन क्या है कल ही बताया था मैंने पुर्तगाली आलू भी पुर्तगाली ठीक है बाल्टी भी पुर्तगाली अलमारी ठीक है आका क्या है तुर्की तुर्की का और क्या है चाकू ठीक है आंसर आ जाएगा बी नेक्स्ट बाजार शब्द में किस संज्ञा का बहुत होता है संज्ञा अर्थ के आधार पर पांच प्रकार की होती है ये याद रख लेना भाववाचक संज्ञा भी पांच प्रकार से बनाई जा सकती है ये भी याद रखना और ये क्या है समूह समूहवाचक कुछ और लिख ले लेना ले कक्षा सेना ये दोनों भी क्या है समूह व्यक्तिवाचक हमेशा कैसी रहती है एक वचन में रहती है आंसर आ जाएगा सी नेक्स्ट इसमें बताना है प्रियतम का पुल्लिंग बताना है तो प्रियतम का पुल्लिंग हो, प्रियतमा कुछ पुल्लिंग हमेशा रहती हैं जैसे दही और व्याकरण ठीक है आंसर आ जाएगा ए नेक्स्ट ये बताना है, एक वचन और बहुवचन में अशुद्धि तो पैस से ये गलत होगा पैस से लिखा जाएगा ठीक है बी नेक्स्ट लता ने पौधे लगाए लता क्या है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा ये भी याद रखना ने आ रहा है ना तो कर्ता के साथ आता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण पेपर ठीक है इस तरीके से आता है संप्रदान के साथ के लिए आता है मगर दान देने के सेंस में भी संप्रदान आता है ठीक है और कर्म के साथ तो को सजीव में लगे ये तो याद रखना कारक कोई व्यक्ति चिन्ह या परसर कहते हैं इनकी संख्या आठ होती है मगर तत्पुर समाज में छह कारक चिन्हों का यूज करते हैं ये भी याद रखना आंसर क्या है इसका सी नेक्स्ट मुझे तुम्हारा नाचना अति मनोरम लगा मनोरम क्या है विशेषण गुणवाचक विशेषण मनोरम की विशेषता क्या है अति तो प्रविशेषण क्या करता है विशेषण की भी विशेषता बता देता है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डी नाचना क्या है यहाँ पे क्रिया ये क्या है यहाँ पे सर्वनाम आंसर आ जाएगा डी नेक्स्ट इसमें बताना पूर्ण भूतकाल का उदाहरण भूतकाल के भेद कितने अच्छे पूर्ण भूतकाल रमेश घर गया था मतलब गया था पहले की बात हो रही आंसर आ जाएगा ए अविनाश ने गाना गाया है ये क्या हो जाएगा आसन का हो जाएगा अभी है आ रहा है ना आसन न आएगा ठीक है और अविनाश ने गाना गाया ये क्या हो जाएगा सामान्य भूतकाल ठीक है आंसर आ जाएगा ए नेक्स्ट राधा तू नाच बाकी ना अर्थ के आधार पर आठ प्रकार के होते हैं ये याद रखना है। उसी में से कह रहा है आज्ञा दे रहा है नाचने की रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं सरल संयुक्त मिश्र वो भी याद रखना आंसर आ जाएगा बी नेक्स्ट वह प्रतिदिन पढ़ता है तो क्रिया विशेषण बताना क्रिया विशेषण चार प्रकार का होता है स्थानवाचक कालवाचक रीत प्रमाण और प्रतिदिन क्या होता है

आंसर क्या आ जाएगा डी नेक्स्ट अप होता है बुरा के लिए क्या होता है अप बुरा के लिए क्या होता है अप जो पहले नंबर पे दे रखा था ठीक है याद रखना हिंदी का ऑप्शन बताना मैं अभी बताया था ना आ अब उप सुने में दूर दूर आ अब अभी आ अब ये सब बोल दिए थे ना ये सब संस्कृत के उपसर्ग बाईस ये अध क्या है हिंदी का उपसर्ग आंसर आ जाएगा ए नेक्स्ट एक प्रत्यय बताना है कि लगने से शब्द क्या बने दो प्रकार के इसके, इसके तो मात्रा किसकी होती, मात्र किस होती है इसकी तो क्या हो जाएगा एरा लूटन एरा लुटेरा इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है तो देखो ऋत का मतलब होता है सत्य और ऋतु का मतलब होता है मौसम ये गलत है बी नेक्स्ट अब देखो ये कहता है ना प्रेमी कहता है प्रेमिका को प्रेमी कहता है प्रेमिका को कि मुझे तुम पर क्या है एतबार है तो मतलब विश्वास है ये याद रखना एक होता है एतबार ये होता है एतबारे कितना देख रहे हो कितना बेसिक सी अंतर नेक्स्ट का उपनाम पुस्तक का नाम ये सब किस में लिखे जाते हैं एक उद्धरण में अगर कोई बात कह दे कभी तो जो ज्योका त्यो लिखनी हो ना तो वो दोहरे में आंसर आ जाएगा सी रामचंद्र की संख्या बीस कामता प्रसाद गुरुजी ने बताई याद रखना नेक्स्ट तुलनावाचक बाचक सात सी से कहते हैं राम सा भाई इस तरीके से लगाते हैं तो बीच में क्या लगाते हैं योजक चिन्ह योजक चिन्ह का द्वंद्व में भी यूज करते हैं ठीक है संज्ञा की संज्ञा रिपीट हो रही हो ना तो वहां पे भी योजक चिन्ह लगाते हैं आंसर आ जाएगा अल्प विराम का सबसे ज्यादा यूज करते हैं ये भी याद रखो नेक्स्ट मल मलया अनिल मलया मलय क्या है पर्वत का नाम है तो क्या हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा अनिल क्या है यहाँ पर अनिल मतलब होती है हवा अनिल मतलब होती है आग मलय

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण ये चौदह दिसंबर को मनाया था ना ऊर्जा दिवस ये याद रखना अच्छा किस राज्य ने ऊर्जा में नंबर वन हासिल रहा था नंबर वन किसका स्थान रहा था राजस्थान का रहा था नहीं रहा था केवल इतना बता देना तो ये जीता है ए हैदराबाद ठीक है और चार हवाई पट्टी वाला कौन सा राज्य वो बना था एयरपोर्ट ये आई जी आई ए बनाता इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मगर ये इसका आंसर क्या ए हैदराबाद नेक्स्ट नेक्स्ट है दिसंबर दो में भारतीय वायुसेना ने एस फोर हंड्रेड एस फोर हंड्रेड जानते हो ये ना हमने रूस से खरीदा है चार सौ किलोमीटर तक किसी भी मिसाइल वगैरह को ये ख़त्म कर सकता है एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम अपने देश का जो निजी है उसे पता है क्या है उसका नाम क्या है इंद्रजाल ये पूछ लें इंद्रजाल क्या है ये भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है अपने यहाँ का तो ये कहाँ पर तैनात किया है पंजाब सेक्टर में आंसर आ जाएगा डी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये रसिया से खरीदा हमने अच्छा फ्रांस से हमने क्या खरीदा राफेल कौन सी कंपनी बनाती है डसोल ठीक है ये भी याद रखना सीएम जगन्नाथ थ्यात्र, रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है तो ये यात्रा कहां पर मनाई जाती है उड़ीसा में उड़ीसा का ये एक त्यौहार है पट पट्ट चित्र कथा इस तरीके से पट्ट कथा वो भी याद रखना मगर ये जो टैग दिया है ना वो दिया है पंजाब ने याद रखना इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेगा आंसर आ जाएगा बी कि हर कोई जगन्नाथ यात्रा देख के उड़ीसा जाएगा मगर ये टैग किसने दिया है उसे पंजाब ने दिया है ठीक है याद रख लेना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा क्वेश्चन नेक्स्ट हंड्रेड परसेंट टीकाकरण करने वाले यूटी कौन सा बन गया अंडमान नवा निकोबार अगर पूछ ले राज्य कौन सा बन गया तो हिमाचल ठीक है ये भी याद रखना आंसर क्या आ जाएगा इसका डी नेक्स्ट पच्चीस दिसंबर को फ्री स्मार्टफोन कौन दे रहा है उत्तर प्रदेश क्यों दे रहा है अभी आने वाले हैं ना चुनाव इसलिए चुनावी योजना यो ये सब अरे पच्चीस दिसंबर को क्या मनाते हैं सुशासन दिवस किसकी याद में अटल जी की याद में ठीक है ये याद रखना अच्छा मणिपुर में ना खेल यूनिवर्सिटी बन रही है ये भी याद रखना और मिजोरम ने ना खेल को खेल खेल को क्या एक दर्जा दिया था छोड़ो वो ये, अभी ये बात याद नहीं आ रहा क्वेश्चन मणिपुर में खेल यूनिवर्सिटी बन रही है ये याद रख लेना आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर क्या आ जाएगा बी अभी हैदरपुर बेट लैंड भी यहीं पे है। हैदरपुर बैटलैंड नोमा बैटलैंड बना था यूपी का ये भी याद रख सकते हो आप नेक्स्ट बीजिंग ओलंपिक के लिए शेफ डी मिशन शेफ डी मिशन कौन नियुक्त किया है बीजिंग ओलंपिक कहां पे होंगे चाइना में होंगे चाइना कैपिटल एंड बीजिंग ये याद रख लेना तो ये कौन बने हरजिंदर हर, हर कोई चाहता है शेफ बनना इस तरीके से थोड़ा याद अलका को क्या बनाया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रमुख तो फिक्की का बने थे संजीव मेहता फिक्की की स्थापना कब हुई थी ये बता देना बस ये क्वेश्चन कल परसों पूछे पराग अग्रवाल ये तो ट्विटर की सी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है लिख लेना इंपॉर्टेंट लिख लेना इसे पराग अग्रवाल को तो साथ में हरजिंदर सिंह आंसर है इसका सी नेक्स्ट अभी देखो अधिगरण के बाद देश की एकमात्र निकल उत्पादक कंपनी कौन सी बन गई तो वेदांता लिमिटेड अच्छा पता है एक फैक्ट में देख रहा था ये बिहार के बिहार में जन्म हुआ है जिसने ये शुरू की थी वेदांता देखो बिहार से भी इंडस्ट्रियलिस्ट है आंसर है सी आंसर क्या है इसका सी और ये क्या निकल उत्पादक बन अच्छा निकल का यूज़ पता है किसमें होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं ना उसमें यूज करते हैं हम लोग नेक्स्ट राष्ट्रीय गठ दिवस का मनाते हैं तो ये राष्ट्रीय गठ दिवस मनाते हैं बाईस दिसंबर रामानुजम की याद मनाते हैं अच्छा अभी रामानुजम द मैन हु न्यू इन्फिनिटी ये इस तरीके की इन पर वो बनी थी मूवी अच्छा अभी रामानुजन पुरस्कार दिया गया है किसको दिया गया है कल परसों का ही क्वेश्चन बताना अच्छा एक दस जनवरी को मनाते हैं इंटरनेशनल हिंदी इंटरनेशनल हिंदी डे नेशनल हिंदी दिवस कब मनाते हैं ये बताना आप लोग ठीक है ये जो क्वेश्चन पूछता हूँ ना प्लीज बता दिया करो अब देखो ये है क्वेश्चन रीजनिंग का देखो घन पूछ रहा है कितने एक दो तीन चार पाँच छः तो इधर कितनी छः एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार ये कितनी चार तो छः चिंग छत्तीस छत्तीस गुना चार करो छः चौक, चौक चौबीस दो चौती बारह तेरह चौदह आंसर क्या आ जाएगा एक सौ चौवालीस सी नेक्स्ट अब इसमें पूछ रहा है वर्ग कितने तो देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो डिब्बे बैसे ही हो गए अब देखो ग्यारह ठीक है बारह और देखो तेरह ठीक है और देखो ये बीच में ये वाला आ गया चौदह कितने है इसमें चौदह आंसर क्या आ जाएगा डी गिन के बता दी नेक्स्ट अभी देखो ये कह रहा है देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लगा लेना बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर मैं आज सीख गए तो अगर नहीं सीख के जाते ना तो मतलब जब तक मैंने भी नहीं सीखा था ना दो से तीन मिनट लग रही थी मुझे इसे। अंग्रेजी वर्णमाला के पहले बारह को उलट दो मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ठीक है तो एल तक बारह को उलट दो मतलब एल यहाँ पे आ जाएगा फिर के आ जाएगा जे आ जाएगा तो एक कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे ठीक में शेष चौदह अक्षर को छब्बीस ही तो होते हैं शेष चौदह को सेम लिखना है मतलब एल के बाद क्या आ जाएगा एम एन तो ये कह रहा है चौदह स्थान पर क्या आएगा तो चौदह में पे तो वही आएगा जो आता है चौदह पे आएगा एन ठीक है आंसर आ जाएगा बी केवल शुरुआत के बारे को पलट नहीं कह रहा था तो बाद के पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना आंसर आ जाएगा इसका बी एन नेक्स्ट है ये कह रहा है विकास सोनू का पुत्र है तो देखो सोनू यहाँ लिख लो विकास क्या हो गया इसका मेल ये हो गया मेल पुत्र ठीक है लेकिन सोनू विकास का पिता नहीं है ये सोनू पिता नहीं है तो ये कौन हो जाएगी माता तो ये ले, इसे ले लो, फीमेल. अर्चना, सोन, अर्चना कौन है सोनी की पुत्री है जो विकास की बहन है जो किसके लिए आता है जो आता है पास वाले के लिए सोनी कौन हो जाएगी विकास की बहन सोनी कौन हो जाएगी विकास की बहन यहां पे लिखो सोनी सोनी ये बहन हो जाएगी ठीक है फीमेल के लिए साइन लगा दो इसका और ये सोनी कौन थी अर्चना की पुत्री अर्चना की अर्चना सोनी की पुत्री है एक सेकंड दोबारा बताते हैं अर्चना इसके नीचे आएगी अर्चना सोनी की पुत्री इसके नीचे ये अर्चना बेटी है इसकी तो सोनू अर्चना से तो मतलब ये कौन हो जाएगी देखो इसकी मम्मी कौन सोनी सोनी की मम्मी कौन ये तो ये हो जाएगी इसकी नानी ठीक है आंसर क्या आ जाएगा इसका ए नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है ये भरने है। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह ना चार चार के पेयर बनेंगे एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार ठीक है पी क्यू पी आएगा यहाँ पे क्या आएगा पी तो ये है क्यू आएगा क्यू आर ये एस बच गया तो एस आएगा तो क्यू से कौन सा शुरू हो, हो रहा है ये नहीं हो रहा है ये नहीं हो रहा ये भी नहीं हो रहा यही हो रहा है बी आ जाएगा इस तरीके मतलब देखो सोलह है ना तो चार चार के पेयर बना लो अगर पंद्रह होते तो पाँच के बना लो या तीन के बना लो इस तरीके से पेयर बनाते हैं इसमें नेक्स्ट अब देखो पाँच चौबीस प्लस एक कर दो इक्कीस नौ आठ बहत्तर प्लस एक कर दो तिहत्तर छिनाम चौवन प्लस एक पचपन ये गड़बड़ है सत्तर टू छप्पन पचपन आना चाहिए चौबीस की जगह आंसर आ जाएगा सी अलग है नेक्स्ट अब देखो चार और एक पाँच इन दोनों को जोड़ो एक बार इन दोनों घटाओ तिरपन ठीक है छः और दो आठ छः में से दो गया तो चार आंसर आ जाएगा चौरासी सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए ये याद रख लेना अब देखो इस तरीके से आपसे पूछ लेना कि किस दे रखें पैर दे रखें तो पूछे दो लोगों के बारे में पूछे सारस के कितने होते हैं दो पैर होते हैं भैंस के, के कितने होते हैं चार ये याद रखो ठीक है अब जितने सिर हो ना उससे डबल कर दो कम से कम दो दो तो होंगे छत्तीस अब कितने बच गए छः और बज गए बयालीस पैर थे ना तो जो छः बज गए ना उसका कर दिया करो हमेशा आधा मतलब तीन तो जो संख्या आएगी ना ये चार पैर वाले की आएगी हमेशा निकल के तो आंसर आ जाएगा तीन अगर इसमें पूछता कि दो पैर वाले कितने तो तीन हटा दो किसमें से अठारह में से तो कितने बच गए आपके पास पंद्रह पंद्रह क्या हो जाएंगे इसमें सारस इस तरीके से हमेशा याद रखना कि पहले तो इसका डबल करना जो संख्या इस फिर घटा लेना फिर जो बचे जाए ना उसका आधा कर लेना वो हमेशा चार पैर वाले का निकल के आता है आंसर आ जाएगा बी नेक्स्ट अब इसमें कह रहा है कि तीनों का उपयोग करने वाले वाले व्यक्ति को दर्शाता है कौन सा विकल्प तीनों का उपयोग कौन कर रहा है तीनों कहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे मिल रहे हैं तीनों फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम मिल रहे हैं यहाँ पे एट द रेट आंसर आ जाएगा बी नेक्स्ट अब देखो इन दोनों को जोड़ो इसको घटाओ नौ तीन बारह माइनस दो दस ग्यारह और चार पंद्रह और माइनस एक चौदह नौ और छः कितने हो जाएंगे पंद्रह पंद्रह में से नौ गए तो कितने बचा छ आंसर आ जाएगा सी ऐसे भी देख लो इन दोनों को जोड़ के ये घटाना था ना तो सीधा इसमें से घटाओ इसे लिख दो आंसर आ जाएगा सी नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि ये लग रहा है इसमें मिरर इसकी आकृति इधर कहाँ बनेगी तो देखो ये तो बनी नहीं सकता ये यहाँ बनेगा देखो ये ऊपर तक नहीं जाएगी ये ऊपर तक है इसमें ठीक और ये यहाँ तक है ना तो इसमें भी ऊपर तक जा रही ये भी नहीं बनेगा आंसर आ जाएगा ए नेक्स्ट अब देखो समझदार को ना ये सारा काफ़ी है वीडियो को थोड़ा सा आप शेयर करके सपोर्ट करेंगे जिससे कि ना थोड़े से न्यू हमें सब्सक्राइबर मिल सकें थोड़ी सी इसकी ना वॉचिंग बढ़ सकें इसमें व्यूज बढ़ सकें थोड़े से वीडियो पे इसीलिए अपना अपनों ध्यान रखना थोड़ा सा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना जय हिंद जय भारत डाउट आए ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना चलो और साथ में निन्यानवे सत्रह छब्बीस ग्यारह छः नौ ये नंबर है इस पर भी डायरेक्ट करके मैसेज करके आप पूछ लेना ठीक है आप पढ़ूँ मतलब एंड गोल पता है क्या है? पढ़ना है जय हिंद जय भारत